दोस्तों यूट्यूब में ये सर्च कीजिएगा नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जब भी मेरा वीडियो देख रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा जो भी आपको समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आपको आज हम एक्साइट के एक इन्वर्टर का फॉल्ट बताएंगे जो कि ऑन करते हैं तो उस पीरियड में आती है जाती है, यानी कि उसकी आउटपुट है एक बार आ रही है और एक बार जा रही है, एक बार आ रही है एक बार जा रही है, इसका यही प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसका सलूशन क्या होगा इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसकी ये बोर्ड जो है, जो इसकी पीसीबी है, वो साइन वेव का है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं तो इसमें हम लोग प्रॉब्लम क्या चीज़ हो सकता है इसके हम लोग डायग्नोज करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सर्किट को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद हम लोग चेक करेंगे क्या इसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो देख रहे हैं आप, ये फुली साइन वेव पीसीबी है, ये प्योर साइन वेव का सर्किट बोर्ड है। तो फ्रेंड हम लोग अब क्या करेंगे, इसको बैटरी का तार रिमूव करेंगे और इसका मेंस अगर लगाएं तो मेंस को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद इसको सर्किट को हम लोग ओपन करेंगे, बाहर निकालेंगे सर्किट को। तो फ्रेंड हम लोग सर्किट निकालने के बाद में इसमें चेक किए तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं 4.7 के का, ये रेजिस्टेंस ओपन था तो हम लोग इसको लगाएं। उसके बाद में क्या किए, यहाँ पे जो पीएफ देख रहे हैं आप, यहाँ पे कैपेसिटर देख रहे हैं, ये शॉर्ट था, इसके वजह से ये इसका रेजिस्टेंस कट गया था। तो हम लोग इसको पीएफ को भी लगाएं यानी कैपेसिटर को भी लगाएं, उसके बाद में यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाएं। और उसके बाद में यहाँ पे चार डायोड आप देख रहे हैं 4148 का, यहाँ पे चार डायोड लगे हुए हैं। ये डायोड में आपका डायोड शॉर्ट हो गए थे, इसमें एक डायोड शॉर्ट हो गया था जो कि हम इसमें बदली किए 4148 का। और उसके बाद इसमें जो फीडबैक था वो इसमें पल्स आईसी में पहुंचने लग गई, ये सिस्टम ओके हो गया। और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम था, इसमें मेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जो मेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा इसके लिए ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं आप, ये ट्रांसफार्मर हमने बदली किया तो ये आपका ओके हो गया। जब मेंस सब एक्सेप्ट ना करे तो ये ट्रांसफार्मर जो है आपकी 23023 ये खराब होने से आपका मेंस एक्सेप्ट नहीं करेगा। और दोस्तों जब ये ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो इसकी वीडीआर जो देख रहे हैं आप, ये भी चेक कीजिए, वीडीआर भी शॉर्ट होने के ट्रांसफार्मर चला जाएगा, शॉर्ट रहेगा तो आप वीडीआर भी चेक कीजिएगा। और इसमें जो है वीडीआर आउटपुट जो है, इसकी जो सेंसिंग ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज निकल रही है वहाँ पर शॉर्टिंग हो रही है, इसका भी चेक करें, ठीक है। उसके बाद में आप ये रिले देख रहे हैं, रिले भी चेक कर लीजिएगा, रिले भी खराब हो सकता है। रिले के बाद में आप इसका रिले जो ट्रांजिस्टर है वो भी आप चेक करिएगा, हो सकता है इसका ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो रिले का। तो यहाँ पर आपको इतना तक चेक करना है, उसके बाद ही इसको फिट करना है, ठीक है। फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, अब ये इन्वर्टर ओके हो गई, अब हम इसको ऑन कर रहे हैं। तो देखिए ये आउटपुट देना, कॉन्स्टेंट देना आउटपुट करना चालू हो गया, ये ब्लिंक नहीं कर रहा है अभी, ये कॉन्स्टेंट आउटपुट हो गया। तो दोस्तों इसमें यही प्रॉब्लम था जो मैंने बताया, तो ये देखिए एकदम स्मूथली अभी वर्क कर रही है। आई होप फ्रेंड मेरा वीडियो आप लोग पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों जय हिंद जय भारत।